ऐसा कथन आता है कि जब राक्षसों की वृत्तियां बहुत बढ़ गईं, राक्षस वृत्ति के लोगों ने भक्ति मार्ग से शक्तियां प्राप्त करके लोगों को कष्ट देना शुरू किया, जिसमें रावण जैसे कृतत्व भी आए कि उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ गलत चीजें की, उसमें भस्मासुर जैसे राक्षस हुए जिसने शंकर भगवान से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं के ऊपर ही प्रयोग करना चाहा। ऐसे असंख्य और उदाहरण मिलते हैं। तो मजबूरीवश देवताओं को, शंकर भगवान को, सभी मंत्रों को, सभी विद्याओं को कीलित करना पड़ा ताकि उसका कोई दुष्प्रयोग ना कर पाए। तो माँ बड़ी दयालु होती हैं, माँ बहुत परेशान हो गई। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, आपने सभी विद्याओं को कीलित कर दिया, सब मंत्रों को बांध दिया, तो कलयुग के लोग क्या करेंगे? कष्ट आएंगे उनको, वो नास्तिक हो जाएंगे, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं माँ की बात सुन करके मुस्कुरा पड़े। उन्होंने माँ पार्वती को गोदी में बिठा करके प्यार करते हुए जिस विद्या का संदेश दिया वो विद्या तंत्र मार्ग कहलाई।